ब्रेक पर खबर 8-9 बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत आसवा परवर्ती खबर को पारिवारिक कलहर करुण परिणति निशासक्त होई साबत मां को पुओ हत्या करथिबा अभिजोग होई केन्द्रापड़ा मेराइन थाना अंतर्गत चकड़ा गोगा ग्राम विजय घड़ाईंकर प्रथम स्त्री पुओ सैतान उर्फ विनोद घड़ाईंक गत राति निज साबत मां विनीता घड़ाईंक हत्या करथिबा अभिजोग करिछन्ति सैतान बापा विजय पुलिस सूचना अनुसार पूर्व पारिवारिक कलह थिबारु विनोद रक्त मुखा हो पड़ता पुलिस अभियोग पुलिस आगे अभियोग करिछन्ति तबे गत राति पर समस्त सदस्य को गाँव पाखे पड़ता एक अपेरा देखा टिकेट कर पठाई सैतान और यहाँ कौन से एक ओजनिया वस्तु में रातिर साबत मां विनीतार कान मुंडा को छेची हत्या कर अभियोग आनीता स्वामी तथा सैतान बापा विजय एने मेराइन पुलिस एक अपमृत एक मामला रुजु कर घटनार अधिक तदंत कर केन्द्रापड़ा जिला निकिराई थाना अंतर्गत पल्ली रघुनाथपुर ग्राम बानामरक पुओ प्रेमानंद पारिक पारिवारिक कली कारण आज दिन 10:25 स्त्री लुगा साहय फाँसी लगे आत्महत्या करती माँ 108 आंबुलांस साहय केन्द्रापड़ा मुख्य चिकित्सालय आनी डाक्टर से मृत्यु घोषणा कर बिरूपा नदी को गाधोवाक जाए युवक पानी में बुड़गले घटना घटी निकिराई थाना अंतर्गत छोटी ठारे निर्माणाधीन नुआ पोलो घाट निकटे सूचना मुताबक छोटी ग्रामर आकाश कुमार दास और दिव्यज्योति प्रधान आज पाखापाखी दिन 10 गाधोई जाते छोटी घाट को बिरूपा नदी में गाधोवाई तेज नदी बाली में पिंधा कपड़ा चपल रखी नदी को गाधोवाई डिया मारी नदी स्रोत में दुई सांग भासी बुड़ जाते परवर्त समय स्थानीय अंचल बासी खोजाखोजी कर दुईज को उद्धार करार विफल होता अग्निशम विभाग और जिला जरूरीकालीन विभाग को जनाइले जिला प्रशासन पक्ष एनडीआरएफ टीम को डका जाता तेज स्थानीय डेराबीस और केन्द्रापड़ा अग्निशम विभाग घटनास्थल में पहुंची रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ टीम सह मिसी आरंभ करते एवं पर्यंत आकाश दास मृतदेह नदी एनडीआरएफ टीम उद्धार करता बेले दिव्यज्योति प्रधान मृतदेह मिल पारिना सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रही आमको डिस्ट्रिक्ट इमरजेन्सी अफिसर द्वारा सूचना मिलला के दीटा पिला नदी में बुड़ जाइंट बुड़बार सूचना मिलवा सांगे सांगे आम आसिलु देखिलु एटी गैदरिंग बहुत अच्छे तेणु आम आम ऑपरेशन आरंभ कर देलु ड्यूरी 15 मिनिट्रे आम गोटे डेड बॉडी को रिकवर करिछु आकाश कुमार ना तार आकाश कुमार से दास से यार बासीदा से तांगे आ गए तार सांग जोटा सी भी बुड़ जाता आम रेस्क्यू करबा को चेष्टा करछु आसवा परवर्त खबर को सर्ट सर्किट जो जलीगला होटेल केन्दुझर जिला टाउन थाना टेलीफोन छक निकटे सत्यनंद साहू होटेल आज सका हठात निग होटेल संपूर्ण जली नष्ट हो जाए आज सका होटेल धूआ बाहर देखि लोक मैंने अग्निशम विभाग को खबर देते हैं अग्निशम विभाग पहुंची निआं को आयत्त करते होटेलटी संपूर्ण जली पोड़ नष्ट हो जाए तेज सर्ट सर्किट कारण अग्निकाण्ड होता प्राथमिक तदंतर जमापड़ आज जयपुर पुलिस विपुल परिमाण में गंजे जबत कर घटन 12 जन को गिरफ्त करी पुलिस तेज गिरफ्तों मध्य जड़े महिला थी पुलिस कही महिला जनक गंजे चालन में सहयोग करते तेज साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी पुलिस जयपुर उपखंड और बोरीगुमा अंचल में गत 3 दिन है चढ़ऊ कर समय पुलिस एक ट्रेन रु अधिक गंजे जबत कर यार आनुमानिक मूल्य कोटी टकर अधिक हो तेज घटन पुलिस 12 जन को गिरफ्त करता बेले 3टी 4-चकिया गाड़ी जबत कर चोराचालन में मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंजे माफिया ओडिशार किसी लोक संपृक्त अच्छा से गिरफ्त करने पुलिस उद्यम चल चार जन जो मैंने इनवल्व अच्छा जड़े हरिशंकर देवियान मध्यप्रदेश अनुज गौतम मध्यप्रदेश मालकानगिरी जिले में आज उत्कल सांबादिक संघ एक साधारण बैठक अनुषित होती उक्त बैठक में आगामी निर्वाचन में निरपेक्षता अवलंबन कर संवाद परेशन करने सपक्ष में सहमति प्रकाश पाता कौन राजनैतिक दल विज्ञापन बाबद निर्वाचन कमिशन को अनुमति आवश्यक होथसंभव सतर्कता अवलंबन करने को आलोचना कर उक्त बैठक को संपादक प्रभाकर सुना अध्यक्षतार आयोजित कर
बीजेडी विजय अभियान आज शुभारंभ नुआपड़ा जिला नुआपड़ा निर्वाचन मंडली विधानसभा बीजेडी दल पक्ष विधायक प्रार्थी भाव में राजेन्द्र प्रसाद ढोलकिया मनोनीत कर खबर पाई ढोलकिया खुशी जाहिर कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद ज्ञापन करते आज अपराह बेलाकोटी ग्राम स्थित जय जंगा देवी पीठ से विधायक प्रार्थी ढोलकिया समेत समस्त बीजेडी कर्मी माँ ठारे बीजेडी विजय कामनार पूजार्चना कर एक बाइक रैली में बाहरी निर्वाचन प्रचार शुभारंभ कर आज प्रति इलेक्शन रे मोर कैंपेनिंग आरंभ हुए जंगा देवता पूजा ये मंदिर रो तो आज आम प्रोग्राम कर जंगा देवतार पूजा आरंभ कर घर रु बाहर तो यहाँ संगे संगे मुख्यमंत्री निवास रु गोटे शुभ समाचार आसला कि आपण टिकट फाइनाल है तो मु माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आसवा परवर्त खबर को रास्ता खराब जो पुणी फेल मारा आंबुलांस 5 किलोमीटर स्ट्रेचर में बुहा हेले गर्भवती महिला एभली घटना देखा मिली नुआपड़ा जिले में तेज सका खड़ियाल ब्लक कपरगेट गांव में परमानंद माझी स्त्री जोगिनी माझी प्रसूति जंत्रणा पाइबार आंबुलांस जोगाजोग करते खबर पाई आंबुलांस आसते रास्ता भल न गांव 5 किलोमीटर दूर से आंबुलांस अटकी रही है फल गर्भवती 5 किलोमीटर स्ट्रेचर में बुआ हो आंबुलांस जगे खड़ियाल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर आसवा परवर्त खबर को 2013 आईपीएल स्पॉट फॉक्सिंग मामलों में फसी एस श्रीसंत आजीवन बासन निर्देश को सुप्रीम कोर्ट हटाई दी सहित तीन मस मध्य सानी दंडविधान स्थिर करने को कोर्ट बीसीसीआई को निर्देश देते जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ को नहीं गठित खंडपीठ आज शुणा बेले स्पष्ट भाव कहते बीसीसीआई श्रृंखला कमिटी श्रीसंत दंडविधान स्थिर करने पूर्व निज पक्ष रखा सुजोग देते कोर्ट आहरी राय दिल्ली हाइकोर्टे श्रीसंत विरुद्ध में चली अपराधिक मामला पर कौन प्रभाव पक आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामलें तलकोर्ट श्रीसंत समेत अन्य अभियुक्त मानक दोषमुक्त करने दिल्ली पुलिस यह चैलेंज कर दिल्ली हाइकोर्ट के द्वारा होता है एवं मामलें हाइकोर्टर विचाराधीन अच्छा तेज श्रीसंत फिक्सिंग मामलें फसी रही और गिरफ्तार बीसीसीआई आजीवन बासन लगता से ही निर्देश विरोध में केरल हाइकोर्ट के द्वारा होते केरल हाइकोर्ट के एक बेंच लगी आजीवन बासन को बलवत्त रखा राय देवापर श्रीसंत यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते क्रिकेट बैक सो आई एम श्योर जितना जल्दी हो सके अभी 90 डेज दिए मुझे नहीं लगता 90 डेज लगाएंगे शायद उनसे पहले ही वो ऑर्डर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेंगे और वैसे उन्होंने बोला लाइफ बैन तो हट गया तो इट्स ओनली 1 year 3 year और 5 years वो ऑलरेडी 6 साल तो 5 नहीं 6 साल होने वाला है तो ऑलरेडी वो जो भी डिसीजन है वो खत्म हुआ है अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स को हाईकोर्ट जब ऑर्डर देते हैं उनको परमिशन मिलता है तो सिर्फ मेरे खिलाफ अलग डिसीजन नहीं होते तो आई एम श्योर आई फोर्ड माई बैटल ऑल बाई माई सेल्फ एंड बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद सर और उनकी टीम कृष्णा पूरी टीम इवन रेबेका मैम इवन हाईकोर्ट वगैरह तो इन सब ने अगर मेरे साथ नहीं दिया होता तो शायद आई वुड हैव गिवन अप सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वेयर आई वाज इवन गोइंग टू अनाउंस माय रिटायरमेंट बट थैंक गॉड आई डिडंट आई एम कीपिंग माई सेल्फ फिट और कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस तो जारी है बाकी सिलेक्शन वगैरह सेलेक्टर्स के ऊपर है अच्छा परवर्त खबर को सत्यवादी पुलिस चढ़ाव पर पुणि सफलता मिली डेलांग पुलिस को निर्वाचन को शांति श्रृंखल करने नूतन भाव जोग दे पुरी एसपी उमाशंकर दास निर्देश क्रमे डेलांग थाना आईआईसी रश्मि रंजन पटनायक निशा कारबार कर विभिन्न अंचल चढ़ाव जारी करते तेज सूचना जगे जे घरोडिया हाट बजार निकट एक बंद थी आजबेस्ट घर 2000 बोतल देशी मद सहित 28 बियर डेलांग पुलिस जबत करें सक्षम होती आज सन्धे पीपिली एसडीपीओ देवदत्त बराल एक प्रेस मीट कर खबर प्रकाश करते मात्र निशा बेपारी जनक खसी जाइंट तेज उक्त बेपारी को पुलिस चिन्हट कर बहुत शीघ्र गिरफ्तार हो श्री बराल कहते यह चढ़ाव जो बर्तमान डेलांग अंचल चोरामद बेपारी मध्य कोकुआ भय सृष्टि होता जमापड़ी आहरी अनेक स्थान में यह चोरा मद कारबार हो थे स्थानीय अंचल चर्चा होती आम गोटे विश्वस्त खबर पाइल जो घोराड़िया बजार पाखे जो दयानदी कूल में गोटे परित्यक्त घरे किसी बेआईन सामग्री मौजूद अच्छी से अनुसार आईसी डेलांग नेतृत्व में गोटे टीम गठन करके चढ़ाऊ कराई था चढ़ाऊ में समुदाय 80 कार्टून आस्का 40 टोटाल आम 2000 गोटी आस्का 40 बोतल सिल्ड बोतल और 28 गोटी बियर बोतल सिल्ड एगुटा आम रिकवरी कर आसामी फेरार अच्छी ताको आम आइडेंटिफाई करूँ और खूब शीघ्र गिरफ्त कर आमर एसपी पुरी साहेब स्ट्रिक्ट निर्देश अच्छी बेआईन मद कारबार आउ
ଯେତିକି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି ତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଲାଗି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ। ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 17 ତାରିଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯଥା କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ହେବ। 16 ତାରିଖରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ବା ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 17 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିପାରେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ତାଳଚେରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମାଲକାନଗିରିରେ 38.5, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଖବର ନାଇନ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଖବର ନାଇନ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।